हाई स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं और हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स हम लोगों को फाइंड भी करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 में हम लोगों को दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 4√3x + 3=0। सबसे पहला काम क्या करना है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये चीज़ हम लोगों को चेक करनी है। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 जैसी फॉर्म की होती है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए। डी, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये निकालते कैसे हैं हम लोग, b² - 4ac, जहाँ पे b क्या है, x का कोफिशियंट, a है x² का कोफिशियंट और c है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब अगर d 0 के इक्वल आता है या फिर d 0 से बड़ा आता है, मीन्स 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर d 0 के इक्वल हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तब हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, यहाँ से हम लोगों को डिफाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें a, तो a कितना है, a का मतलब x² का कोफिशियंट तो 4 है। b कितना है, b का मतलब x का कोफिशियंट, तो x का कोफिशियंट यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं, 4√3। c का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे कितना है, 3 है, करेक्ट। सो क्या फाइंड करना है, d, देयरफॉर d इक्वल टू निकालेंगे कैसे, b² में से 4ac को माइनस कर दें। अब b जानते हैं कितना है, 4√3, और इस पर स्क्वायर लगाए, लगा दिया, -4, a है हम लोगों का 4 और c है हम लोगों का 3। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 = 48, तो ये तो हो गया 48। अब 4 × 4 = 16, 3 = 48, ये भी कितना है, 48। इसका मतलब 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, क्लियर। सो d यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 0, तो लिख सकते हैं सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, करेक्ट। तो हम लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अब हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे। एक और चीज़ वैसे यहाँ से हम लोगों को पता चल जाती है, अगर d हम लोगों का 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, दोनों ही जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, इक्वल। और अगर d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स डिफरेंट होते हैं, मीन्स रियल वैल्यू तो मिलती है बट वो डिफरेंट होगी, और यहाँ पर जो रियल वैल्यू मिलेगी रूट्स की वो इक्वल होगी। अब जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोगों को फाइंड करना है। अब जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड करना होता है, अब जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं, और जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम लोगों को अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, x² का कोफिशियंट चेक करते हैं। अगर x² का कोफिशियंट 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई डिफरेंट नंबर है, ठीक है, तो क्या करिए, उसको चेंज करिए 1 में, यानी कि 4 यहाँ पर देख रहे हैं x² का कोफिशियंट, तो इसको चेंज करना है 1 में, जो कि कब पॉसिबल है, जब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करें। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड्स में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x², करेक्ट। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा, सिर्फ √3x + 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेने के बाद में आते हैं हम लोग सेकेंड टर्म पर, जो x वाला टर्म होता है। अब इससे पहले साइन चेक करिए, क्या है, प्लस है ना, प्लस है तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a + b² और ये क्या होता है, a² + b² + 2ab,
राइट। अगर यही साइन माइनस होता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला रिकॉल करते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो अब ये काम करेगा राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग चेंज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसी फॉर्म में, और जैसे ही इस फॉर्म में आएगा हम लोग उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर होता है वो होता है ये वाला टर्म, यानी कि इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये जो सेकेंड टर्म आप देख रहे हैं ये होता है टू ए बी वाला टर्म, राइट। सो टू ए बी, और ये फॉर्म बनाने के लिए 2 होना ज़रूरी है। अब अगर 2 लेके आना है तो यहाँ से चेक करिए जो x का कोफिशियंट है, क्या इसका एक 2 फैक्टर है, अगर नहीं है तो क्या करिए, देखिए रूट 3 में से 2 नहीं आ सकता ना फैक्टर, तो क्या करिए 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म बना रहे हैं, तो 2 हम लोगों ने रख दिया। 2 रखने का मतलब क्या है, क्या आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए साथ ही, राइट, जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू पर फर्क ना पड़े, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अभी भी ये एज इट इज़ है, क्लियर। प्लस का 3/4 है, लिख देते हैं, एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको और लिख देते हैं ब्रैकेट में रख के, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको हम लोगों ने लिख दिया √3/2 इंटू एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0, क्लियर। अब जरा देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोगों के पास ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, करेक्ट, सो ये टर्म मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज 2ab, तो देखिए 2 ए किसको बोल रहे हैं, हम लोग एक्स को बोल रहे हैं, तो 2ab, इसका मतलब ये क्या है हमारे लिए, बी है, हम लोगों ने बी आइडेंटिफाई कर लिया। मीन्स हमारे पास जो रेडीमेड फॉर्म है वो ए स्क्वायर की है, 2ab भी है, सिर्फ कमी किसकी है, बी स्क्वायर की कमी है, करेक्ट। इसका मतलब हम लोगों को सिर्फ बी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बी कितना है, √3/2 है, क्लियर। तो अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक्स को तो ऐसे ही लिखे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू इस टर्म को भी हम लोग ऐसे ही लिख दें, साथ में बी स्क्वायर चाहिए ना, और बी कितना है आपके लिए यहाँ पे, √3/2, तो आपने बी स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर अपनी तरफ से प्लस कर दिया, लेकिन अपनी तरफ से प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, वैल्यू चेंज ना हो तो साथ ही आपने क्या कर दिया, इसी चीज़ को माइनस भी कर दिया है, ठीक है। तो अब ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये क्या है, प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ से यहाँ तक चेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, और जब ये फॉर्म होती है तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या रीड कर रहे हैं हम लोग, एक्स, प्लस बी के प्लेस पे कितना है, √3/2, और इसका होल स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने लगाया, साथ में क्या है, माइनस का साइन है, √3/2 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये तो आपस में यहीं पर कैंसिल हो गए, बचा क्या हम लोगों के पास में, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और कभी भी जब ऐसी फॉर्म आ जाए, राइट, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू, सिर्फ इसको ट्रांसपोज करिए, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √3/2, एंड दूसरा भी रूट क्या होगा, माइनस का √3/2 ही होगा, और यही क्या है हम लोगों के रूट्स है, यानी कि यही हम लोगों का आंसर है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे हो गया है तो ज़रा समझ लीजिए, रफ वर्क है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। ये तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब या तो एक्स प्लस √3/2 0 होगा, या फिर ये वाला एक्स प्लस √3/2 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू निकालनी है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो, माइनस में जाएगा √3/2, सिमिलरली यहाँ भी, क्लियर। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि कैसे आ जाता है और कैसे हम लोग इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है,
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। पहले क्या चेक करना है हम लोगों को, चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बी ए और सी की। जरा निकालते हैं। सो हियर ए, ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ पर कितना देख पा रहे हैं, टू। बी, बी कितना है, बी का मतलब एक्स का कोफिशियंट जो कि यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है तो मीन्स वन। और सी कितना है, कांस्टेंट टर्म जो कि फोर है। देयरफॉर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। रख दीजिए वैल्यू, तो बी के प्लेस पे हम लोगों ने वन रखा, स्क्वायर लगाया, माइनस फोर ए है यहाँ पर टू और सी है फोर, राइट। सो वन का स्क्वायर मीन्स वन, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू, राइट। सो वन माइनस थर्टी टू कितना हुआ, माइनस का थर्टी वन, क्लियर। सो क्या लिख सकते हैं, सेंस डी इज स्मॉलर देन ज़ीरो, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, तो डी कैसा हुआ, ज़ीरो से छोटा हुआ। देयरफॉर अगर डी ज़ीरो से छोटा होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी सीखा। देयरफॉर रूट्स डोंट एग्जिस्ट, और जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।